अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरे ना ये एक सब्सक्राइबर मिले, इनका कहना ये है कि भाई हम अगर जाल वालों को बर्ड्स ना दें तो हम किसको दें, क्योंकि ये सुबह से परेशान हो रहा है। आप मुझे बताएं क्या बोलना चाह रहे हैं आप। मैं आपको ये कह रहा था, आपको फॉलो किया मैंने और मैंने जाल वालों का बाइकआउट किया, बाइकआउट करके आया। सुबह से अब तक मेरे तकरीबन 2 से 3 पेयर निकले हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं यही सेटअप जाल वालों को दे देता वो 50 रुपए कम में तो मुझे मुझसे परचेज कर लेते, लेकिन मेरा सारा माल एक क्वांटिटी में ले लेते परचेज कर लेते। लेकिन अभी तो आपने खुद बिल्कुल बिल्कुल अभी जो है मेरी रिसेंटली एक वीडियो पे आएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है, तो रिसेंटली मेरी एक वीडियो आएगी, उसमें मैंने 5 तरीके बताए कि हम अपने जो बर्ड्स को कैसे सेल कर सकते हैं, और वो मैंने आप ही लोगों के लिए बनाई है। आप वो वीडियो देखेंगे तो वो इंशाल्लाह आपकी बड़ी हेल्प होगी और आपको फायदा होगा। आप वो वीडियो जरूर देखिए। वीडियो कौन सी है? मेरा चैनल है जुनैद बर्ड्स, और इस पे इस वीक में वो वीडियो आएगी, आप जरूर देखिएगा। थैंक यू जुनैद, बहुत शुक्रिया। जाल वालों को बर्ड्स ना दे तो बर्ड्स कहाँ दे, 5 तरीके बताऊंगा। एक तरीका आपके लिए जरूर अहम होगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, 5 तरीके देखें, कोई एक ऑप्शन से आप अपने बर्ड्स बेच सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि अपने बर्ड्स अच्छे रेट में बेचें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैद बर्ड्स में खुश आमदीद। देखें, कुछ जिम्मेदारियां आपकी हैं, कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं। आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप जाल वाले को बर्ड्स नहीं देंगे, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम जाल वालों को कवर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जाल वालों के मुतालिक सब बातें अगर हम करते रहेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें हल चाहिए ना। जाल वाले हमारे दुश्मन है ना जाल वाले हमारे रिश्तेदार हैं। हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद अपने बर्ड्स को बेचना है, वो भी अच्छे रेट में, कचरा रेट में नहीं। अगर हमारा ये मसला हल हो जाए तो हमें फायदा होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसे 5 तरीके मैं आपको बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने बर्ड्स बासानी बेच सकते हैं। पहला तरीका तो यही है कि आप मुझे वीडियो सेंड करेंगे, मैं अपने चैनल पर डालूंगा, उसका पूरा तरीकेकार मैंने इतवार की वीडियो में बताया है, अगर वो आप देखेंगे, और मैं डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो डाल दूंगा ताकि आप देखें तो आपको तरीकेकार पूरा पता चल जाएगा। वो आपके लिए समझे में एक तरीके से हेल्प कर रहा हूँ। पहला तरीका वो हो गया। अगर हम दूसरे तरीके पे आए, दूसरा तरीका ये है जो सबसे ज्यादा अहम है। देखें, आज के दौर में हर एक के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है। हम अपने बर्ड्स ऑनलाइन बेच सकते हैं। आप व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप फेसबुक के पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑलेक्स के थ्रू बेच सकते हैं, और ये चलाना कोई इतना खास मुश्किल नहीं है। आजकल बच्चा बच्चा मोबाइल चलाना जानता है। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे नहीं है तो आप अपने बच्चों से कह सकते हैं, बच्चे सब जानते हैं। बच्चे आजकल, किसी टाइम में ये होता था कि लोग बड़े परेशान होते थे राइड ढूंढने के लिए, तो आज हम घर बैठे जो है अपना बाइकिया के थ्रू और जो है ऊबर के थ्रू मुख्तलिफ जगहों पे जा सकते हैं। घर बैठे हम गाड़ी कर लेते हैं, तो वो सब क्या है, वो कहीं से बंदा सीखता है, वो खुद ब खुद सीख रहा होता है। बच्चे बच्चे को चलाना आता है, उनके थ्रू आप ये काम करें। देखें, और आजकल तो मैं कितने लोगों को देखता हूँ, वो क्या करते हैं, सिर्फ स्टेटस अपना डाल देते हैं, चीज बिक जाती है यार। अपने मुख्तलिफ डाले होते हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। तो ऑनलाइन एक बहुत बड़ा आपके पास ऑप्शन है जिसके जरिए आप अपने बर्ड्स बेच सकते हैं। इस ऑप्शन को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा होगा। नंबर तीसरी चीज देखें, आप जो है ना, आप मार्केट आओ, मार्केट आके खुद अपने बर्ड्स बेचो। अगर आपको खड़े होकर शर्म आती है, आप बोलते हो कि यार मुझे बहुत टाइम लगता है, तो आपने कुछ नहीं करना ना, आपने अपने बर्ड्स लेने, बर्ड्स लेके आप वहां मार्केट का चक्कर लगाओ। यकीन करो, मैंने कितने लोगों को जानता हूं, मार्केट का चक्कर लगाते हैं, बर्ड्स बिक जाते हैं जिसको जरूरत होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी वहां पे होते हैं जो हर इतवार के दिन वहां पे आते हैं, वो मतलब बर्ड्स के बारे में मालूमात तो रखते हैं बट उनका कोई सेटअप नहीं होता। वो ये खाली फटकी लाते हैं, वहीं से बर्ड्स खरीदते हैं और वहीं बेचते हैं, मतलब थोड़ा सा मार्जिन से। तो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, वो आपसे खरीद लेंगे और खरीद के वो बेचेंगे, आप अपने पैसे सीधे करके चले जाओगे। लेकिन आप मार्केट आओगे तो ये तमाम चीजें आपको पता चलेंगी। चौथा ऑप्शन ये है कि आप भाई यूट्यूबर्स को इस्तेमाल करो। इस वक्त लालू खेत मार्केट में बेशुमार यूट्यूबर घूम रहे हैं,
और उनका मकसद क्या है, उनका मकसद वीडियो बनाना है, हम तो वीडियो बनाने के लिए घूम रहे हैं ना, आप हमें आवाज दो। बहुत सारे लोग वीडियो नहीं बनवाते इसलिए हम हर एक के पास नहीं जाते, लेकिन अगर आप हमें देखो, किसी भी और चैनल वाले को देखो, बोलो भाई मेरी वीडियो बनाए, और आप अपनी वीडियो बनाओ, इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये वीडियो फौरन डलती है और लोग देखते हैं। जो लोग बर्ड से की फील्ड से वाबस्ता है और वो मार्केट नहीं आते, तो उनके लिए आसानी है कि वो वीडियो देख के अपने रेट्स अपडेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सेल परचेज भी उसके थ्रू होती हैं। तो भाई आप अपनी वीडियो बनवाओ, और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ कि जो मार्केट आते हैं, तीन चार चैनल से वीडियो बना के चले जाते हैं, वो वहाँ नहीं बेचते, लेकिन जब हम शाम में वीडियो डालते हैं तो उनके बर्ड्स बिक जाते हैं। वो ऑनलाइन एक तरीका है बर्ड्स बेचने का। इसके अलावा अगर मैं पांचवें ऑप्शन की तरफ जाऊं, तो भाई देखो ये तमाम खेल है रेट और डिमांड का, लेकिन पानी की गहराई का अंदाजा जब तक नहीं हो सकता जब तक आप पानी में उतरो नहीं। तो आप जब मार्केट आओगे, मार्केट घूमोगे, तो आपको रेट और डिमांड का अंदाजा होगा, उसके हिसाब से आप अपने बर्ड्स बेच सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता क्या चीज चल रही है, अगर किसी तरफ कोई चीज चल रही होती है तो उसके रेट अच्छे हो रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजें शामिल होती हैं, और इसी में बाद में शामिल करूंगा कि आप रेट और डिमांड समझने के लिए मार्केट का विजिट करो, या आप लाजमी इतवार की वीडियो लोगों की देखो, और अपने रेट मुनासिब रखोगे तो चीज बिकेगी। अगर एक चीज, वही मैं बार बार ये बात इसलिए दोहराता हूँ, लोगों की समझ में नहीं आता, लोग अपना कॉस्ट बढ़ाते रहते हैं। अगर आपके बर्ड्स आपके पास पड़े रहेंगे, देखें बर्ड्स दो किस्म के होते हैं, एक तो ये कि आपने वो अपने पास रखने, ठीक है, इन फ्यूचर के लिए वो एसेट है, बट अगर वो बर्ड जो आपने बेच रहे हैं, जो आज भी बेच रहे हैं और कल भी बेच रहे हैं, तो आप आज बेच दो, अगर कल का आप इंतजार करोगे तो आप अपनी कॉस्ट बढ़ाओगे, तो आप कॉस्ट नहीं बढ़ाओ। और अगर 10 रुपए की चीज सब 10 रुपए की दे रहे हैं तो कोई आपसे नहीं लेगा, आपको थोड़ा से रेट कम करना पड़ेंगे। 10 रुपए की चीज आप 9 रुपए की दोगे तो लोग आपकी तरफ जरूर आएंगे, और यही वजह है कि मेरे पास बर्ड्स नहीं मिलते, उसकी वजह यह होता है कि हम रेट मुनासिब रखते हैं, यही वजह है कि चीज निकल जाती है, हम होल्ड नहीं करते, क्योंकि छोटा सेटअप करने वाला होल्ड नहीं कर सकता। अगर आप होल्ड करोगे ना तो आपके पास इतने केजीज होंगे और आप अपनी कॉस्ट भी बढ़ाओगे। अगर हम इन बातों पर अमल करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारे बर्ड्स जरूर बिकेंगे, और इन पांच ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके लिए जरूर अहम होगा, तो आप इसको इस्तेमाल करके अपने बर्ड्स खुद बेचें, किसी के मोहताज ना हो। और जब ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, जब हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम चाह रहे हैं मसले का हल निकले, मसले का हल निकलेगा तो सबको फायदा होगा, वरना इसका कोई फायदा नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया।